नमस्कार दोस्तों, नई नोटिफिकेशन आउट किया गया है पटना के हाई कोर्ट की तरफ से ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के पोस्ट के लिए। दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 80 वैकेंसीज है। इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एप्लीकेशन फी पे करना होगा, सेलेक्शन किस तरह ले सकते हैं, सैलरी कितना दिया जाएगा, एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ पड़ सकता है और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ऑनलाइन एप्लीकेशन कोर्ट की सुबह फेल के लिए ट्रांसलेटर ग्रुप बी के पोस्ट और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर ग्रुप बी के पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है। इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/5/2024 से 30/6/2024 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फी का लास्ट पेमेंट आप 2/7/2024 तक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का डेट नोटिफाई बाद में कर दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए टोटल 60 वैकेंसीज है। ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के पोस्ट के लिए टोटल 20 वैकेंसीज है। अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ट्रांसलेटर के पोस्ट में टोटल 26 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएफ के लिए 6 वैकेंसीज है। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 9 वैकेंसीज है। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी है। ईबीसी के लिए 11 वैकेंसीज है। बीसी के लिए 7 वैकेंसीज है। सिमिलरली दोस्तों आप वुमेन के लिए हॉरिजॉन्टली रिजर्व पोस्ट और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देख सकते हैं। नोट पॉइंट। करेक्टर। कैंडिडेट्स का करेक्टर अच्छा होने चाहिए, किसी भी क्रिमिनल ऑफेंसेस से एसोसिएट नहीं होने चाहिए। मैरिटल स्टेटस। मेल कैंडिडेट्स के पास एक से ज़्यादा वाइफ नहीं होने चाहिए, अगर मेल कैंडिडेट्स का वाइफ अलाइव है तो। फीमेल कैंडिडेट्स के केस में अगर फीमेल कैंडिडेट्स मेरिड पर्सन से शादी करते हैं और पर्सन का वाइफ अलाइव है तो ऐसे केस में दोनों ही इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिजिकल फिटनेस। फिजिकल हेल्थ और मेंटल कैंडिडेट्स का अच्छा होने चाहिए और ज्वाइनिंग के टाइम में कैंडिडेट्स को मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसमें सिग्नेचर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के रैंक का कम से कम मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर होने चाहिए। एज लिमिट। अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएफ कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए एज 18 से 37 साल के बीच में होने चाहिए और जन्म 2/1/1987 से पहले का नहीं होने चाहिए। अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएफ कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एज 18 से 40 साल के बीच में होने चाहिए। बीसी और ईबीसी कैटेगरी के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एज 18 से 40 साल के बीच में होने चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एज 18 से 42 साल के बीच में होने चाहिए। ओएच के लिए एज 18 से 47 साल के बीच में होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन। दोस्तों क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन पास होने चाहिए विथ इंग्लिश एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। हिंदी का नॉलेज एसेंशियल है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्स में कम से कम 6 मंथ का सर्टिफिकेट होने चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। प्रेफरेंस वो कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके पास लो डिग्री होगा। प्रेफरेंस वो कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके पास उर्दू या मैथिली या संथाली लैंग्वेज का नॉलेज होगा। अब दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स को डाउट होगा कि सर मैंने रिसेंट में ही ग्रेजुएशन पास किया है तो क्या मैं इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन 1 जनवरी 2024 के पहले कंप्लीट हो गया है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, बट 1 जनवरी 2024 के बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। राइट। एग्जामिनेशन फी। अनरिजर्व बीफी ईबीफी ईडब्ल्यूएफ कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन फी 1100 रुपीज पे करना होगा। बिहार के एससी एसटी ओएच कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन फी 550 रुपीज पे करना होगा। अदर स्टेट्स के एससी एसटी ओएच कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो एग्जामिनेशन फी 1100 रुपीज पे करना होगा। एग्जामिनेशन फी को सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा, अदर मोड से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एग्जामिनेशन फी को आप एक बार पे कर देते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर आप रिफंड नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को तभी अप्लाई करें जब आप इस सर्विस में फर्क करना चाहते हो, अदरवाइज आपका मनी वेस्ट हो जाएगा।
मोड ऑफ फ्लेक्शन एंड मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड। दोस्तों इसमें फ्लेक्शन, रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड पर मिनट हिंदी में और इंटरव्यू के थ्रू फ्लेक्शन ले सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, रिटर्न टेस्ट में 40% कम से कम स्कोर करना है, कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट में कम से कम 40% स्कोर करना है और इंटरव्यू में 30% स्कोर करना है। राइट। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, दोस्तों एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा एग्जाम के सेंटर को चुनने के लिए। दोस्तों एक बार आप एग्जाम के सेंटर को चुन के फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आप किसी भी सरकमस्टेंसेस पर एग्जाम के सेंटर को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें। वैसे तो एग्जामिनेशन सिर्फ 3 सिटीज में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में। राइट। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, रिटर्न टेस्ट में जनरल इंग्लिश से ऑब्जेक्टिव टाइप्स का मैक्सिमम 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल हिंदी से ऑब्जेक्टिव टाइप्स का मैक्सिमम 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज से ऑब्जेक्टिव टाइप्स का मैक्सिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप्स के टेस्ट में 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको 32 मार्क्स मिनिमम स्कोर करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के टेस्ट के लिए 45 मिनट्स का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट 15 मिनट्स OMR शीट्स को कलेक्ट करने में और ट्रांसलेशन के क्वेश्चन पेपर और एंसर शीट को डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज़ किया जाएगा। ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी के लिए 60 मार्क्स दिया जाएगा, ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश के लिए 60 मार्क्स दिया जाएगा, टोटल ट्रांसलेशन के लिए 120 मार्क्स कैरी करेगा जिसमें आपको मिनिमम 48 मार्क्स स्कोर करना है और ट्रांसलेशन के लिए 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। राइट। अब जानते हैं कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट के बारे में। देखिए कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड पर मिनट हिंदी में करने के लिए 5 मार्क्स दिया जाएगा, एमएस वर्ड पर वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट के लिए 10 मार्क्स दिया जाएगा, एमएस एक्सेल पर स्प्रेड शीट में टेस्ट के लिए 10 मार्क्स दिया जाएगा, इंटरनेट प्रोफेंसी के लिए 5 मार्क्स दिया जाएगा। राइट। जो कि टोटल 30 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा जिसमें आपको 30 में से 12 मार्क्स स्कोर करना है और हाफ आर का समय दिया जाएगा। अब जानते हैं इंटरव्यू के बारे में। देखिए प्रोफेंसी का टेस्ट ना उर्दू या मैथिली या संथाली में कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि 5 मार्क्स कैरी करेगा और हाफ आर का समय दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। राइट। इंटरव्यू 20 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा। देखिए इंटरव्यू टोटल 25 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा, 25 मार्क्स में से 6 मार्क्स स्कोर करना है इंटरव्यू में। राइट। सिलेबस, जनरल इंग्लिश से ग्रामर डेट इज आर्टिकल टेंस एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन प्रीपोजिशन कंजक्शन कॉम्प्रहेंशन वोकेबलरी स्पेलिंग टेस्ट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेंटेंस कंप्लीशन एंड स्ट्रक्चर कॉमन एरर्स आइडियम्स एंड फ्रेजेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिमिलरली दोस्तों आप जनरल हिंदी और जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेजेस के सिलेबस को देख सकते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए फॉर देट आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएँ। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में देखिए ट्रांसलेशन करने के लिए कहा जाएगा इंग्लिश से हिंदी एंड हिंदी से इंग्लिश। इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए 2 पेजेस दिया जाएगा और ईच पेजेस 30 मार्क्स कैरी करेगा। राइट। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए 2 पेजेस दिया जाएगा और प्रत्येक पेजेस 30 मार्क्स कैरी करेगा। कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट में वैकेंसीज के 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। राइट। जो कैंडिडेट्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को स्कोर करेंगे वो कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। दोस्तों देखिए कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग करना है। राइट। अब देखिए एमएस वर्ड पर वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट का इंटेंशन है क्या? कैंडिडेट्स का बेसिकली बेसिक टाइपिंग स्किल इंग्लिश में टेस्ट किया जाएगा, साथ ही साथ एमएस वर्ड का बेसिक नॉलेज को भी चेक किया जाएगा।
एमएफ एक्सेल पर अपग्रेड फीट में टेस्ट का कंडक्ट करवाने का इंटेंशन यह है कि एमएफ एक्सेल पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा सके और इंटरनेट प्रोफेंसी का टेस्ट कंडक्ट करवाने का इंटेंशन है बेसिकली कैंडिडेट्स का इंटरनेट यूसेज पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जा सके, जांच किया जा सके। अब दोस्तों इंटरव्यू में आते हैं। देखिए दोस्तों ट्रांसलेशन का जो टेस्ट है ना वो 5 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा, हाफ आर्फ का, राइट, जिसमें कैंडिडेट्स का प्रोफेंसी चेक किया जाएगा उर्दू या मैथिली या संथाली में, राइट, इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और देर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स फॉर दिस टेस्ट, मतलब इस टेस्ट के लिए किसी भी तरह का मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स नहीं होगा और मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन दिस प्रीफरेंशियल टेस्ट विल बी एडेड इन हर हीज टोटल स्कोर, और जो मार्क्स आप इस टेस्ट में स्कोर करेंगे वो टोटल मार्क्स में एड किया जाएगा, राइट। सैलरी दोनों ही पोस्ट में लेवल 7 का सैलरी दिया जाएगा जिसमें 44,900 से लेकर के 142,400 के बीच में दिया जाएगा। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा जैसे कि टी ए डी एच आर एटसेट्रा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है इस रिक्रूटमेंट से संबंधित, देन आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट को रिजोल्व करने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।